सभी क्रिएटिव लोगों का दादा काय जय श्री गणपती बाप्पा काय टेन्शन नको जरा गणपती सर आप थोड़ा राइट है ना मेरे थोड़ा पुढ़ ना तू पण लाव ना इधर प्लीज थोड़ा पीछे तू तो छोटा खेला है आपके पूरी बाप्पा हो रहा मोबाइल पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे मत जाओ गौतम प्लीज तू फ्रेम में जाना और आप पूछ रहे शो कैसा लगा। मेरे को इनका काम हमेशा अच्छा लगता है। गौतम पाटोले को मैं बहुत कई दिनों से जानता हूँ। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट दैट आई हैव कम अक्रॉस चारकोल। लेडी रूपाली हर चीज में मास्टरी है। स्कल्प्टिंग हो, पेंटिंग हो, इंस्टॉलेशन हो, इंटीरियर हो, एक्सटीरियर हो, विलेज बनाना हो, बच्चों को हेल्प करना हो, एनजीओ भी है। आपका एनजीओ भी है ना मैम, क्या नाम है? तो आई थिंक अच्छी बात है ये सारी चीजों में बच्चों को गांव गांव में सिखाया जाए। मैं तो चाहता हूँ यही, और आप लोग यही करते रहते हो। सो द रीजन वी ऑल आई हियर टुडे बिकॉज वी रिस्पेक्ट द वर्क। बिसाइड रिस्पेक्टिंग द वर्क, काम से ज्यादा सिखाना गांव के बच्चों को ये आर्ट बहुत बड़ा है। समझा ना भिड़ू, क्या बोलता है? बच्चे लोग को घर पे सिखाए तो क्या बड़ी बात है ना, आपके गांव में समझ जाओ, है ना? तो ये रूपाली जी हैं, गौतम है, बाकी वी आई हियर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपको कितना इंटरेस्ट है आर्ट में, पेंटिंग्स में? अगर कोई मेमोरीज हो बचपन की अगर शेयर करना। बहुत है, बहुत सारे हैं। वो चिड़िया और वो अपन तो सब लोग ने बनाए ले, आप लोग ने बनाए, आप देखने वाले ने बनाए, पहाड़ बनाए हैं, पहाड़ बनाए हैं, चांद देखा, वही वो नॉर्मल ऐसा, और ऊपर वो चिड़िया सूर्य, मगर अच्छी चीजें देखते थे अपन लोग। सूर्य दिखता था, पहाड़ दिखता था, नेचर दिखता था, वही देखने के लिए अभी भी भाग रहे जो बचपन में सीखा था। अ सीन फ्रॉम विलेज, गांव की कहानी, गांव की कहानी होती है दोस्त। शहर में ले लो जितना मजा कर रहे, मगर फिर गांव ही। जय किसान तो जय जवान, जो है ना किसान। फ्लावर पावर के बारे में कुछ नहीं, खाली याद रखना भिड़ो, जितना झाड़ उगा सकते होगा पकाएगा नहीं, बोल बोल के इतना थक गए कि उन लोग के कान से झाड़ निकल रहे। मगर लगा जितना लगा सकता लगा, है ना, बराबर के नहीं? वहां अपने बच्चे लोगों को बोलना जाके, और बच्चा पैदा करने से पहले खून तपासना थैलेसीमिया के लिए, नहीं तो हर 15 दिन के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूशन करना पड़ता है, समझा? पहले ब्लड आप कुंडली भी चेक कर लो, और थैलेसीमिया के लिए ब्लड भी चेक कर। भाई मेरे को माइनर है क्या, इनको माइनर है क्या, हम लोग की शादी होगी तो मेजर हो जाएगा बच्चा, ऐसा बोलते हैं। तो ध्यान रखो, बच्चा पैदा हो तो ये सब यहाँ पे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मगर फिर भी बोल दिया तुम लोग, तुम नहीं बोल रहे तो मैं ही बोल रहा हूँ। मैं तो बोलते रहूंगा, और तू मेरे को भी पूछ ले ले, एनजीओ के बारे में बात कर, बच्चे लोगों को सिखा रहे उसकी बात कर, मेरे को कितना सुनेगा? दादा के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा। सी आई एम स्कल्प्टर, दादा के साथ पिछले 10-12 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। दादा हर एक एग्जीबिशन में हमको सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। उनके साथ साथ दादा बहुत क्रिएटिव है, अपार्ट फ्रॉम द एक्टिंग एंड ऑल, वो बहुत डाउन टू अर्थ है, इसीलिए हमारे साथ है। सो हम लोग भी वही काम कर रहे हैं। आज का विषय भी वही है, वुड में मैंने स्कल्पचर्स किए हैं और कोयले में, चारकोल में गौतम ने पेंटिंग्स बनाए हैं। सो दादा इज ऑलवेज सपोर्टिंग अस। दादा के साथ साथ नितिन जी देसाई आए हैं यहाँ पे, जिनका एनडी स्टूडियो है, विनोद तावड़े सर आए हैं, तो दे आर ऑल वेल विशर्स फॉर अस। दे आर नॉट सेलिब्रिटी, दे आर फैमिली।
सो चार वुड का कॉन्सेप्ट पता ना चारकोल 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 और आप लोग जो फ्यूजन कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताओ ताकि पता चले आप लोगों ने क्या किया है. यू टॉक रहे सो बेसिकली दो साल से सभी गैलरीज बंद थे. दो साल से नो आर्ट वर्क. कोविड के वजह से हम लोग घर पे ही थे और अभी 3-4 महीने हो गए हैं कि गैलरीज ओपन हो गई है. तो हम दोनों भी आर्टिस्ट हैं. आर्टिस्ट का जर्नी हमारा पिछले कई साल से एक साथ चल रहा है और ये हमारा फर्स्ट एग्जीबिशन है जो हम दोनों एक साथ कर रहे हैं. सो द नेम इज़ द रूट कॉज. और हम लोगों ने करजत में विलेज एक आर्ट स्टूडियो बनाया है और जो जो नेचर से रिलेटेड है तो वुड भी एक लकड़ी भी एक पार्ट है. हम लोग दादा से इंस्पायर होके हम लोग बहुत पेड़ पौधे लगा रहे हैं, बहुत गाँव में काम कर रहे हैं. सो उसका प्रतीक आपको हर एक पेंटिंग में दिखाई देगा, मेरे काम में भी दिखाई देगा. उसके साथ साथ हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर है, अभी सेल्फलेस काम करना है, वही है. हर एक आर्ट के साथ कैप्शन भी दिया हुआ है, उसको किस तरह से आप बताना चाहेंगे? कैप्शन दिया है वो हर एक ने अपने हिसाब से लेना है वो कैप्शन को. मैंने मेरा थोड़ा सा उसमें ये किया है, एक्सप्रेस किया है मेरे भाव. तो आप वो पढ़ के थोड़ा इंस्पिरेशन मिले, आपको मोटिवेशन मिले, वो ही इच्छा है. मगर इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत ब्यूटी इंस्पायर्ड है आपको. ये जैसे आपने कहा आपको जैकी दादा से इंस्पिरेशन मिला, बट बहुत सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फेसेस हैं. कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली है? सर को कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है? माय इंटरेस्ट इज दैट वी शुड क्रिएट समथिंग व्हिच पीपल शुड लाइक, यू नो. ओके, पीपल शुड एंजॉय. सो यू लाइक ब्यूटी? या ऑफ कोर्स, एवरीबॉडी लाइक. यू सी ब्यूटी इन एवरीथिंग? या ऑफ कोर्स. सो एवरीबॉडी एंड यू नो व्हाट, पीपल शुड एंजॉय इफ इट इज ऑन द वॉल. पीपल शुड एंजॉय इट ऑन द वॉल, नॉट अनलेस डूइंग अगली थिंग्स. इट मेक्स नो सेंस, यू नो. पीपल आर पेइंग, पीपल आर बाइंग थिंग, एंड पीपल आर पुटिंग ऑन द वॉल्स. दे शुड सी all of their life, you know. I think while looking at the paintings and looking at the sculpture, I see that I'm taking back a smile, a memory back home, because when you take back beauty back home, it is most pleasurable thing that you can have. And thank you so much for calling me. It is one of the best things that I've seen. You are one of the artworks here. Oh, thank you. I wish you can draw me. Yeah, we'll do that. Thank you so much. It's amazing. मुझे लग रहा है कि जैसे कहा कि वुड बाद में कोयला बनता है और कोयला के बाद उसका जो आर्ट बनता है, आई थिंक द कॉम्बिनेशन इज फैंटास्टिक. रूट कॉज जो है इज अ फैबुलस थीम, और जो मैं देख रहा हूँ आई थिंक इट्स रियली ब्यूटिफुल. कहाँ गए बाकी? आई थिंक आज हमने जितना भी यहाँ देखा, आई थिंक लाइक शी सेड, वी गोना टेक अ मेमोरी बैक होम, क्योंकि इतना खूबसूरत था. स्पेशली ऑल द वंस जो बिंदी के साथ, द रेड बिंदी वंस वो ब्यूटिफुल. एंड जैसे गौतम जी ने कहा कि एक पेंटिंग हमें हमेशा एक अच्छी फीलिंग ही देती है, तो जब हमारे वॉल पे लगेगी तो हम हमेशा स्माइल ही करेंगे वो देख के. सो कंग्रेचुलेशन एंड कंग्रेचुलेशन रूपाली. हो सके हम भी करजत में आए आपके आपके स्टूडियो में. प्लीज प्लीज लव टू कम. या लव टू कम एंड सी. आई एम श्योर बिकॉज़ इतना ही ऑलरेडी देयर इज सो मच आर्ट एंड ब्यूटी. तो करजत में वहाँ इन अ नेचुरल स्टेट और ब्यूटीफुल फार्म हाउस सो क्रिएटिवली डन आर्ट. नो सो ब्यूटीफुल. ही हिमसेल्फ इज क्रिएटिवली डन फार्म हाउस. मुझे इतना अच्छा लग रहा है. ऊपर से जो नोट्स लिखे हुए हैं ना उसको पेंटिंग के अकॉर्डिंग, वो आई लाइक इट. मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, मतलब मैं कभी भी नहीं गई, पेंटिंग्स मैंने नहीं देखी, लेकिन आई लाइक इट. क्रिएटिविटी एट इट्स बेस्ट. आप जितना आर्ट को निखारोगे, इट्स लाइक यू आर प्रमोटिंग योर सेल्फ. अगर आप में हुनर है आर्ट को संभालने का, इट्स फैंटास्टिक. एक चीज जरूर करूंगा यहाँ देखने के बाद में, आज कुछ ऐसी चीज एक बेडरूम में जरूर लगवाऊंगा जो एक यादगार पल रहे जिंदगी में कि यार दिस इज व्हाट आर्ट इज ऑल अबाउट. थैंक यू. बोल चुकी हूँ गौतम सर के बारे में, रूपाली के बारे में. मैं खुद रूपाली हूँ तो मुझे पता है कि ब्यूटी क्या होती है. सो दैट इज़ वन आई थिंक आई कुड एक्चुअली एसोसिएट विद रूपाली सो मच. इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें बनाने के लिए कहीं ना कहीं आप अंदर से ब्यूटीफुल होने चाहिए. एंड आई थिंक इन द कपल आई कैन सी दैट ब्यूटी. आई कैन सी दैट द आर्ट लव
And as a couple, don't you see that they are such a beautiful people, warm, hosting, hospitable, fantastic job. I wish you a lot of luck, and I'm very, very thankful to you for calling me to such a beautiful thing. Pleasure. And stay beautiful. Yes. This is the beautiful one that I've seen. Stay beautiful always. Thank you. Thank you.